आज हम सूजी का हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा और बहुत झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। इसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया, उसमें मैंने 2 बड़ी चम्मच देसी घी डाल दिया, साथ में थोड़े से काजू बादाम और किशमिश को ऐसे रोस्ट कर लेंगे घी में। रोस्ट करके जब हलवे में डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसमें क्रंच भी बना रहता है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालें। अगर आप किशमिश को रोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, किशमिश को ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रोस्ट कर दिया क्योंकि ऐसे तो ये फूल जाता है, लेकिन अभी ये रोस्ट के बाद एकदम सा ड्राई ड्राई सा हो जाएगा तो अच्छा लगता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, फटाफट से इसे निकाल लेंगे। इसमें 2 चम्मच घी और डाल देंगे, इसे आप घी में बनाएं ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें 1/2 कप सूजी डाल देंगे। सूजी मैंने पैकेट वाली ली है, जो थोड़ी मोटी वाली होती है, उससे हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। बाकी आपके पास जो हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें मेन काम जो करना है, सूजी को अच्छी तरीके से धीमी आँच पर रोस्ट करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ये नहीं कि बहुत जल्दी से तेज़ आँच पर फ्राई करते, जिससे सूजी का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन उन्हें जला जला सा टेस्ट आएगा। इसलिए आप इसे आराम से पेशेंस के साथ धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट करें। जैसे जैसे इसमें से सूजी रोस्ट होता जाएगा, घी भी अलग होता जाएगा और उसका टेक्सचर भी चेंज होता जाएगा। मैंने इसे धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया, देख सकते हैं सूजी का कलर बहुत अच्छा आ गया है, एकदम से सुनहरा गोल्डन ब्राउन। हमें इतना ही रोस्ट करना है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया। आपको जितनी चीनी मतलब यानी जितनी मिठास पसंद हो उतना डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। सूजी को बहुत अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया, चीनी को भी उसमें डाल के थोड़ा रोस्ट कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें हम 1 कप डालेंगे, 1/2 कप सूजी लिया था तो 1 कप पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही हलवा बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। इस हलवे को बनाने में पूरी जो टाइम लगती है 8 से 10 मिनट का लगता है और बहुत फटाफट से बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार होता है। बस इसे 2 मिनट तक ऐसे ही गैस का फ्लेम हाई कर दें, पका लेंगे और 2 मिनट बाद ही देखेंगे कि हलवा का टेक्सचर जो है चेंज होता रहेगा। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा घी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 4 चम्मच घी में ही 1/2 कप मैंने सूजी का हलवा बनाया और ये हलवा 2 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छी तरीके से देख सकते हैं हलवा पक गया है। तो अब हम इसमें जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे उसे डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिला लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने बचा लिया लास्ट में गार्निशिंग के लिए और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस सूजी का हलवा तैयार है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। आप इसे 1 दिन बाद भी खाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही खिला खिला दानेदार रहेगा और हर दाने में रस से भरा होगा। बहुत ही स्वादिष्ट सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। लास्ट में थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे और फटाफट से गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे। तो ये हमारा सूजी का हलवा तैयार है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये हलवे की रेसिपी देखने को मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।